करो दिन। जी जी मैंने कह दिया, उन्होंने मौलाना का नंबर तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने कहा मैं दे रहा हूँ वो, तुम बात कर लो। ठीक है जी, हाँ 597 फीस। अरे वीडियो बना रहा हो तुम? आओ फिर आओ हमारे यारों की दोस्तों की ले बना बचत के ना। बनाएंगे यार, क्यों बनाएंगे, व्लॉग डालेंगे आराम से, इसके एडिटिंग करेंगे घर जाके, अभी आवाज आवाज डालेंगे इसमें भी, बिना आवाज के बना रहा है। सलमान को तो ले लो यार, सबसे लंबा आदमी हमारा ये। सलमान खड़ा हो जाए, आ जा थोड़ी देर। ये हमारा सलाउद्दीन भाई, बड़ी गहरी मुस्कान सलाउद्दीन के चेहरे पर। ये मदरसे के बच्चे हैं, ये मदरसे के बच्चे हैं भाई, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए आए थे माशाल्लाह। ये सलाउद्दीन बहुत मुस्कुरा रहे हैं भाई, सलाउद्दीन के चेहरे पर बड़ी गहरी मुस्कान है, इन्हें मेरे ख्याल से सरकार बनने की ज्यादा खुशी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह खाना बन रहा है, इन्होंने खाने का इंतजाम किया हुआ है। बाग में कुरान शरीफ पढ़ा गया था, यह कुरान शरीफ की पेटी है। हम लोग बाग बाग में आए हैं, आम का बाग है ये। हम लोग बाग में आए थे, ये आम का बाग देख सकते हैं, पेड़ों पर कितने शानदार और खूबसूरत आम लगे हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं आम ये। मौसम थोड़ा सा गर्म है लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हम लोग कुरान शरीफ पढ़ के फारिग हो चुके हैं, खाने में थोड़ी थोड़ी सी देर है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। कि हम लोग बाग में आए हुए थे और ये बाग माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ा गया है, और ये आम का बाग है, और सारे हमारे साथी सब लोग ही बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं सारे लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। और पहली बार मैं बाग में शायद कुरान शरीफ पढ़ने के लिए आया हूँ, और ये समझ लीजिए थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ। बहुत से हमारे साथी, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये साथी बैठे हुए हैं हमारे, आप दिखाई दे रहे होंगे। ये आमों का बाग है, और यहाँ पर हम कुरान शरीफ करने पढ़ने के लिए आए थे, क्योंकि हमारे एक दोस्त, उन्होंने कहा था कि बाग में कुरान शरीफ होना, खाने का भी इंतज़ाम इन्होंने किया है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया कि वहाँ पर खाना भी बन रहा है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा ये बाग है। और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको आम दिखाता हूँ, देखिए ये पेड़ों पर आम लगे हुए हैं बड़े खूबसूरत, ये देख रहे हैं आपको आम दिखाई दे रहे होंगे, ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे आम दिखाई दे रहे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं आम, ऐसे लगते हैं जैसे पेड़ों पर बल्ब लगे हुए हैं। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मैं खैर अपने चैनल पर व्लॉग नहीं डालता, लेकिन आज मेरा दिल चाहा कि मैं एक व्लॉग बनाऊँ और आपके सामने शेयर करूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, और ये थोड़ा सा लंबा भी हो गया, लेकिन अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। तो प्यारे दोस्तों, हम बाग में गए थे, उसके बाद में दुआ हुई, दुआ के बाद में खाना हुआ, और खाना बहुत शानदार था अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती रियाजुल हक साहब ने दुआ कराई, और दुआ में शामिल हज़रत मौलाना कारी नाजिम साहब और हज़रत मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब भी शामिल थे। बहुत शानदार नज़ारा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और हमारा ये फ़र्स्ट व्लॉग आपको कैसा लगा इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।